अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको पंजाब एजुकेटर्स की लेटेस्ट न्यूज़ का बताऊंगा जो आज के एक्सप्रेस न्यूज़ में छपी है। डेली एक्सप्रेस इस्लामाबाद, हफ्ता 24 अक्टूबर, पेज नंबर 10 पे जब आप नीचे आएंगे तो एक ख़बर लगी है कि पंजाब भर में 38,000 टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। आए देखते हैं ख़बर में क्या लिखा हुआ है। पंजाब भर में 38,000 टीचर भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। प्राइमरी, मिडिल और हाई क्लास टीचर्स भर्ती होंगे, ठीक है। तमाम कैटेगरी के जो असातिज़े हैं वो कुल जो हैं वो 4,49,000 हैं और जो अभी सरंजाम दे रहे हैं वो 3,70,000। तो मजमूई तौर पर जो 78,000 सीटें वो खाली हैं। अब पहले मरहले में जो है वो 38,000 नई भर्तियाँ होंगी और नई भर्तियों के लिए दरख्वास्तें 22 नवंबर तक ऑनलाइन दी जा सकेंगी। ख्वातीन के लिए उम्र की हद 38 साल और मर्दों के लिए 35 साल मुकर्रर की गई है। तालीम के मुताबिक ख्वाजा सरा भी दरख्वास्त दे सकेंगे। पंजाब एजुकेटर्स की ये सीट्स अब NTS के थ्रू एडवर्टाइज नहीं होंगी। ये सीट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज होंगी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही इसका टेस्ट लिया करेगा। मेंबर्स, अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस, मींस कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और उसका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले ESC साइंस 14 स्केल, SCST साइंस 15 स्केल और SSE साइंस 16 स्केल। मास्टर डिग्री हो 16 ईयर एजुकेशन एटलीस्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस, HEC से रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और QEDC ऑफ स्कूल एजुकेशन, और प्रोफेशनल एजुकेशन में BEd, BSed, MEd, MSed, ADE विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मीन जो BEd है या MSed है या MEd है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तस्वर की जाएगी, ठीक है। रिटर्न टेस्ट के लिए सिलेबस देख लें। MCQ टाइप टेस्ट होगा 100 नंबरों का, 90 मिनट होगी ड्यूरेशन और सिलेबस देख लें। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये क्लास 9, 10, 11, 12। देन जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़। ये जो 50% है इसकी गाइडलाइन मैंने चैनल पे ऑलरेडी दी हुई है, इसकी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर लें। और जो रिलेटेड क्वालिफिकेशन रिलेटेड हैं उसके लिए आपने क्लास 9, 10, 11 और क्लास 12 इनमें से पढ़ना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अब आते हैं आर्ट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन और सिलेबस है। ESC आर्ट्स 14 स्केल, SCST आर्ट्स 15 स्केल एंड SSE आर्ट्स 16 स्केल। मींस जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। क्वालिफिकेशन देख लें, मास्टर डिग्री, BS या BS ऑनर्स, मींस 16 ईयर एजुकेशन हो और आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन हो। उर्दू में, इंग्लिश, पाक स्टडी में, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैट, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस, ठीक है, डेट आर रिकग्नाइज्ड एंड इशू डिक्लेयर इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट ऑफ HEC, ठीक हो गया। एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वही BEd, BSed, MEd, MSed, ADE विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन।
ठीक है, अब आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है? ये सब्जेक्ट से नहीं होगा, ये जनरल इंटेलिजेंस टाइप है, वन पेपर एमसीक्यू टाइप होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 100 नंबरों का 90 मिनट होंगे आपके पास, और उसमें से क्वेश्चन किस किस से आएंगे? जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़। इसकी गाइडलाइन मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, काइंडली आप उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपके 80+ मार्क्स आएंगे। तो मेंबर्स, अब सवाल है ये वैकेंसीज़ कब एडवर्टाइज्ड होंगी? तो इस हवाले से मैं आपको अगले हफ्ते में एक और वीडियो के ज़रिए अपडेट दे दूंगा कि ये समरी आया कि अप्रूव हो चुकी है या भिजवाई जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू कैसर शिराजी साहब, ये जो समरी है वो अप्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी जो सुनने में आया है, सबसे पहले टीचर्स की ट्रांसफ़र होगी, मीन जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई है सबसे पहले उस पर काम होगा। जब ये ट्रांसफ़र्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद जहाँ जहाँ भी वैकेंट सीट होंगी वो एडवर्टाइज्ड होगी थ्रू PPSC। जो स्टूडेंट्स अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो क्लास 9, 10, 11, 12 की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। स्पेशलिस्ट साइंस के स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाले जो हैं वो जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करें, 1 MCQ पेपर प्रिपरेशन। अगर उनको बुक चाहिए तो मैं उनको ईमेल कर दूंगा। आप लोग अपने ईमेल जो हैं वो कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दें। ओके मेंबर्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको इस बारे में और भी अपडेट्स दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़।